नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर से में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अख्तर, जो काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं। कोरोना पे इन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी पेशेंट को इन्होंने ठीक भी किया है। आज हम इनसे बात जानते हैं कोरोना क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, नेशन 24 में आपका स्वागत है। कोरोना बीमारी महामारी क्या है? देखिए, सबसे पहले जानने की बात यह है कि कोरोना महामारी जो इतनी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पहले से भी होते आ रहा है और काफ़ी दिन तक हो चुका है। हमको लगता है कि इंडिया में कम से कम इसको 7-8 महीने हो चुके हैं आए हुए, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। कोरोना एक बहुत छोटी सी बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन किसी किसी लोगों में ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन जो जनरली जो यंग पेशेंट हैं या जो यंग लोग हैं या जिनकी मैच्योरिटी है, इम्यूनिटी लेवल अच्छी है, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कोरोना महामारी में ऐसे कौन कौन से मतलब जो नज़र आते हैं मरीज में लक्षण, वो कौन से लक्षण हैं? देखिए, अभी जो हमारे जो इंडिया के अंदर जो लक्षण पाए जा रहे हैं, इनमें फीवर आना, हेडेक आना, थ्रॉट में हल्का इरिटेशन आना, बहुत ज़्यादा जो इसमें 3 स्टेज होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड में क्या होता है कि हम लोगों को हल्का फीवर और हेडेक रहता है, लेकिन जब हम मॉडरेट के तरफ जाते हैं तो मॉडरेट में देखते हैं कि हमारे नेक में कुछ इरिटेबल टाइप का लगता है, खराश आना, गले में खराश आना, और जो हम उसमें चेस्ट पेन आना, और जब सीवियर की तरफ जाते हैं तो वो निमोनिया के तरफ कवर करता है। पेशेंट निमोनिया की तरफ जा रहा है तो वो सीवियर केस हो जाता है, उसमें चेस्ट पेन वगैरह आना और बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन को कम करना, यही सब है। आपने ध्यान दिया होगा कि कोरोना महामारी की डर से लोग काफ़ी पैनिक हुए हैं, और लोग को यदि लगा कि पॉजिटिव हो गए हैं तो अस्पताल में भागने, चिल्लाने, ऑक्सीजन की खरीद करने, ये सारी चीज़ों में मन लग जा रहे थे। क्या मतलब ये इतना पैनिक होने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपसे पहले ही बताया, इसके 3 स्टेजेज हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जब हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था में जाना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सैचुरेशन लेवल है वो अमूमन 99-98 नॉर्मल पेशेंट का रहता है, लेकिन हम लोग जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल जब कम हो जाती है 90 या 90 के बिलो, उस कंडीशन में हम लोग हॉस्पिटल में जाए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए या किसी डॉक्टर से संपर्क करें, ऑक्सीजन उस लेवल पे जाकर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोग बाहर से देते हैं। और उसमें भी अगर गाइडलाइन है कि 90 से जब नीचे जाता है तब आप अपने जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाके एडमिट हो जाए, वो डॉक्टर की निगरानी में ही आपको ट्रीटमेंट चलेगी जो भी ऑक्सीजन की लेवल। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 99 है या 98 या सैचुरेशन है, उस कंडीशन में हम लोग एडमिट हो जाए, बहुत फीवर जब हो तब। और हमने बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे हैं जिनको घर में ही रख के आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट करके उनके प्रिकॉशंस करके वो लोग 10-15 डेज के अंदर वो लोग नेगेटिव हो जाए। जो भी पॉजिटिव पेशेंट है वो बहुत अच्छी रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है और वो बहुत जल्द नेगेटिव हो जा रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट हमारे जो है वो नेगेटिव हो जा रहे हैं। अच्छा, कोरोना जो विदेशों में जिस तरह से दिखा था, कोरोना जब शुरुआत में चाइना से वुहान से शुरू हुआ था और जिस तरह का दिखा था, और जब हमारे यहाँ वो कोरोना का जो वायरस आया, क्या दोनों में कुछ अंतर है? हाँ जी, अंतर तो है। जब स्टार्टिंग में जब कोरोना चाइना में या यूएस में आया था, उस टाइम जो पेशेंट के जो सिम्टम्स वो हाई ग्रेड फीवर थे, 104, 105, 103 के आसपास है। बट इंडिया के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं वो पेशेंट जो इनकी जो फीवर की रेंज है वो 98, 99 या 100 है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक हेडेक है और थ्रॉट इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हेडेक है और थ्रॉट इन्फेक्शन ज़्यादा है लोगों के बीच में जी, इसमें भी लोग पैनिक हो रहे हैं। और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में ऐसे कौन से दवाई उपयोग करना चाहिए जिससे कि इस राहत मिल सके होम आइसोलेशन में? देखिए, ट्रीटमेंट की बात तो मैं नहीं करूँगा, वो दवाई के बारे में यहाँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ प्रिकॉशन मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि आप गर्म पानी का सेवन करें, उसके बाद अगर कुछ गले में इन्फेक्शन या इरिटेबल हो तो आप स्टीम ले सकते हैं कम से कम 2 से 3 बार। इसमें काढ़ा एक है जिसके बारे में मैंने एक दो हमारे न्यूज़पेपर में भी आया था, हमारे पेशेंट्स भी थे उनको भी मैंने बताया, काढ़ा बहुत ही लाभदायक है। काढ़ा के इंग्रेडिएंट हैं, मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, कि थोड़ा सा पानी में उसमें 2-3 तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, उसके बाद तुलसी का पत्ता डालें, अदरक डालें,
और वो सब डाल के उसको काफ़ी गर्म कर उसके बाद उसको छानने का, उसमें हाफ लेमन उसको डालकर पियेंगे कम से कम दो बार पिए काफ़ी फायदा करता है। उसके बाद विटामिन सी, हम लोगों को जो प्रोफाइलेक्सिस होता है जो कोरोना सस्पेक्टेड केस है नॉट कंफर्म, उसके लिए हम लोग 500 mg दिन भर में लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको 1000 to 1500 mg में हम लोग कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट टू पेशेंट। आपने बताया कि काढ़ा पी सकते हैं, विटामिन सी ले सी खा सकते हैं और मतलब रोकने से काम आता है, कोरोना में आखिर ये इस चीज़ का उपयोग से कैसे ठीक हो सकता है, ये क्या है कारण इसका, पीएच वैल्यू क्या है? देखिए एक्चुअली इसमें कारण क्या है कि जब हम लोग स्टीम लेते हैं या हॉट वाटर करते हैं तो जो भी वायरस हमारे लीक पे, जैसे कि हम किसी भी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो जो सिम्टम्स आने लगता है वो विद इन अ 4 days आता है, 4 days में माइल्ड सिम्टम आते हैं, तो वो सबसे पहले वायरस जो इफेक्ट जो नेजल और हमारी जो माउथ ओपनिंग है उसके थ्रू हमारे नेक में जाता है और वो वहाँ पे 4 days सर्वाइव करता है। 4 days सर्वाइव करने के बाद हम लोग इनिशियल स्टेज में ही गर्म पानी का सेवन और स्टीम वगैरह लेते हैं तो जो वायरस इसको कहा गया है जो कोरोना वायरस है वो 37-38 degrees के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। तो मेनली हम लोग उसको इनएक्टिव फॉर्म में जो गर्म इन्वायरमेंट ले रहे हैं या वेपर ले रहे हैं या गर्म पानी ले, उससे वायरस इनएक्टिव हो जाता है। बहुत बार अभी जानकारी मिल रही थी कि पीएच वैल्यू 5.5 से 5.8 तक के करीब है, उससे ऊपर का यदि हम लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इनएक्टिव किया जा सकता है, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं इसमें सत्यता तो क्या है ये एक्चुअली पीएच वैल्यू की बात करें तो मोर देन जो 5.8 है उसके आगे जब जाते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। हमारे देश में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, जो गवर्नमेंट हमें अभी सामने ला रही है रिकवरी रेट को देखे वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, क्या कारण है कि मतलब संक्रमित मरीज जो है अच्छे हो जा रहे हैं ठीक हो जा रहे हैं, पीछे कुछ तो रीजन होगा? देखिए जो भी पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, जो यंग पेशेंट हैं वो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे जो इंडिया के अंदर जो पेशेंट जो सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं या कुछ डेथ हो रहे हैं वो उन पेशेंट के हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं हाइपरटेंशन के कारण हो जाती है, डायबिटीज़ के कारण हो जाती है, जो पेशेंट डायबिटिक हैं हाइपरटेंशन है उनको ज़्यादा रिस्क है, यंग पेशेंट और जिनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है उनको घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा इन्फेक्शन है वो 10-12 दिन में ठीक हो जाता है। अभी तक आपके नज़र में कितने पेशेंट आए और कितने को आपने अभी तक ठीक किया है? अभी तक हमारे पास कम से कम मोर देन 100% आए हैं और सब कोई ठीक हो गए हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सब 10-15 days के अंदर निगेटिव हो गए। कोई सीरियस? एक दो केसेस आए थे जो सीरियस हुए थे वो लोग एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल वगैरह में, वो ऑक्सीजन लेवल पे गए हैं लेकिन वो भी रिकवर होकर फिर वापस आ गए हैं। तो आपने अभी हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से के प्रोग्राम में डॉक्टर तनवीर अख्तर को सुना, उन्होंने कोरोना के बारे में विशेष जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कोरोना क्या है कैसे है इसके लक्षण क्या हैं और कैसे हम इसे सही हो सकते हैं ठीक हो सकते हैं और हमें ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर हम अगले एपिसोड में एक दूसरे बीमारी को लेकर आएंगे और बताएंगे कि आखिर उसके लक्षण और उससे बचाव के रास्ते क्या हैं। तब तक आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।